सो भारतीय एयरटेल काफी दिन से एक अच्छी खासी रेंज क्रिएट कर रहा है ऑन द अपर साइड। तो डाउन साइड आ गई थी कल, बट फिर से यहाँ से ऊपर जाके क्लोज हो गया, तो इसमें काफी स्ट्रांग बुलिश मोमेंटम है। तो भारतीय एयरटेल में हमें बेसिकली बाय साइड फोकस करना है। अगर ये DR ब्रेक करता है और रेड बॉक्स ग्रीन बैंड भी ब्रेक करता है और यहीं पे ऊपर सस्टेन करता है, ओके, तो यहाँ पे लगभग 1 घंटे के लिए सस्टेन करना चाहिए भारतीय एयरटेल। एंड उसके बाद विद गुड बुलिश कैंडल, यहाँ पे जैसे एक स्ट्रांग बुलिश कैंडल मिल जाती है तो यहाँ पे हमें एक अच्छा खासा ब्रेकआउट देखने को मिल पाएगा। तो भारतीय एयरटेल इज वेरी गुड फॉर द अपसाइड ब्रेकआउट। तो काफ़ी बड़ी रेंज है अपसाइड में, तो आप ये स्विंग के लिए भी देख सकते हो। अगर 831 का लेवल निकाल लेता है भारतीय एयरटेल तो आपको 850 इजीली अचीव हो जाएगा। एक दिन में भी अचीव हो जाएगा या फिर 2 दिन में भी अचीव हो जाएगा। तो कीप ट्रैकिंग भारतीय एयरटेल फॉर नेक्स्ट 2 to 3 days। ओके सो लेट अस चेक हाउ भारतीय एयरटेल परफॉर्म टुडे एज पर द रेड ग्रीन बैंड स्ट्रेटेजी। सो एज यू नो कि हमें बेसिकली ब्रेकआउट ट्रेड बाय करना है अबाउ द रेड बैंड, जो हमने एग्जीक्यूशन मेंशन किया है हमारे प्रायर वीडियोस में। सो चलिए देखते हैं अभी कैसे भारतीय एयरटेल ने परफॉर्म किया। सो जैसे आप देख सकते हैं आज एकदम एक अप मूव आई है ऑलमोस्ट 6-7% की, बट मोर इंपॉर्टेंटली हम एग्जीक्यूशन की तरफ ध्यान देंगे। सो चलिए देखते हैं 5 मिनट स्टार्ट पे क्या स्ट्रक्चर था। सो जैसे आप देख सकते हो ये पर्टिकुलर जोन बेसिकली आपका रेड बैंड जोन था, विच वॉज समवेयर अराउंड 827 जोन। सेम वेज ड्यूरिंग द ब्रेकआउट टाइम आप देख सकते हो यहाँ पे ग्रीन डॉट्स थे। अभी नो डाउट जैसे हम ग्रीन डॉट का फॉर्मेट ट्रेड करते हैं कि जहाँ पे 20 मिनट्स के एक साइडवाइज जोन भी मिल जाती है हमें, तो हमें प्रॉपर ब्रेकआउट ट्रेड के लिए प्लान करते हैं इस पर्टिकुलर जोन में। सो नो डाउट आप देख सकते हो जैसे ही प्राइजेस इसके ऊपर ब्रेक हो जाते हैं विद प्रॉपर गुड ग्रीन कैंडल, जैसे आप देख सकते हो एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल है और उसी के कारण हमें एक फॉलो थ्रू बाइंग देखने मिल जाते हैं। और इस पर्टिकुलर फॉर्मेट में आपका जो स्टॉप लॉस हो जाता है वो बिलो द रेड बैंड या बिलो द ग्रीन डॉट्स हो जाता है। नो डाउट ये पर्टिकुलर ट्रेड में आपकी जो रिस्क थी वेरी स्मॉल थी, ऑलमोस्ट 0.5%, और उसके फेवर में आपको एक अच्छा खासा हमें रिवॉर्ड देखने मिला। सेम वेज आप देख सकोगे कि ये जो रेड बैंड है, मोर इंपॉर्टेंटली आप देखोगे तो ये जो है एक सेलिंग जोन है। अगर ये सेलर्स यहाँ पे सिस्टम में ट्रैप हो जाते हैं तो हमें एक फॉलो थ्रू बाइंग देखने मिल जाती है, जैसे कि हमने प्रायरली भी हमारे ट्रेड्स में देखे। और नो डाउट आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 3:15 के बाद, 3 बजे के बाद एक अप मूव आ जाते हैं जो कि ऑलमोस्ट 7% के अप मूव है। नो डाउट माइट भी कोई इवेंट बेस्ड मूव रहेगी या कोई न्यूज बेस्ड मूव रहेगी, बट मोर इंपॉर्टेंटली आप अगर ये देखोगे तो मैं जो रिस्क थी वो एकदम स्मॉल थी और उसके फेवर में जो रिवॉर्ड मिला दैट वॉज वेरी मच हाई इन आर फेवर। सो फॉर रेगुलर सच लॉजिकल ट्रेड्स डू कनेक्ट ऑन अ प्रीमियम ग्रुप फॉर द लाइव ट्रेड एनालिसिस सेशन एंड स्टे कनेक्टेड ऑन द प्रीमियम ग्रुप फॉर रेगुलर अपडेट्स। थैंक यू।